सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कक्षा 10वीं सोशल साइंस का ऐसे इंपॉर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलेगा। तो चले फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल है हमारा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। इसके लिए आपको चार ऑप्शन इसी प्रकार से मैट्रिक एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 14 अप्रैल 1919 ईस्वी को, सी में दिया गया है 15 अप्रैल 1919 ईस्वी को और डी में दिया गया है 16 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 18 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 19 को देख लीजिए। क्वेश्चन 19 से बोला जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम सभी BJP के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना सन 1980 में हुई थी। उसके बाद में अगला सवाल है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में जो पहला चुनावी संग्राम हुआ था ना, तो पहला चुनाव सन 1952 में हुआ था, जिसमें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाए गए थे। तो उसी समय सन 1952 की ही बात है जब राष्ट्रीय विकास परिषद का भी गठन किया गया था। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी सिंपल है कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किए थे। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना सन 1915 में किया गया था, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, सन 1915 में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 22 को देख लीजिए। क्वेश्चन 22 से बोला गया है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000 में ही झारखंड राज्य का गठन हुआ था। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी मज़ेदार तथा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बोला जा रहा है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। ऐसे बोला जाता है कि बिहार में अब तक का सबसे विनाशकारी भूकंप और भारत में सबसे विनाशकारी भूकंप जो था वो कब आया था। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं सन 1934 को, जब पूरे भारतवर्ष में ऐसा विनाशकारी भूकंप आया था जिसमें ज़मीनें फट गई थी, दरारें पड़ गई थी और कई लोग काल के गाल में समा गए थे, अर्थात मृत्यु के आघोष में समा गए थे। तो सवाल पूछे जाएंगे कि अत्यंत विनाशकारी भूकंप भारत में कब आया था, तो सन 1934 हो जाएगा। ये सवाल अक्सर इस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं कि बिहार में अब तक का सबसे विनाशकारी भूकंप कब आया था। तो आंसर याद रखिएगा कि सन 1934 में आया था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 24 को देख लीजिए। यहाँ भी क्वेश्चन 24 में बोला जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। काफ़ी सिंपल सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी। और कांग्रेस रिलेटेड एक दो और क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैट्रिक एग्जाम में। इसी सवाल में बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज में पड़ जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना सन 1920 में हुई थी। और ये सन 1920 आप सभी के एग्जाम दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सन 1920 में ही भारत छोड़ो आंदोलन नहीं बल्कि असहयोग आंदोलन चलाया गया था और इसी के साथ साथ खिलाफत आंदोलन भी चलाया गया था पूरे भारतवर्ष में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 25 को देख लीजिए। बोला जा रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का रोजगार योजना जो थी वो कब लागू की गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 25 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, जवाहर रोजगार योजना लागू सन 1989 में की गई थी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 26 को देख लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन 26 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, सन 1919 भी आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से
काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सन 1921 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का भी स्थापना करने के साथ साथ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और उसी के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में रॉलेट एक्ट भी पारित किया गया था, जो एक काला कानून था जिसे हम सभी भारतवासी मिलकर काला झंडा दिखाकर उसका विरोध प्रदर्शन किए थे। उसके बाद में अगला सवाल इसमें 27 में दिया गया है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा, 16वीं लोकसभा का जो चुनाव था वो किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 27 का सही जवाब ऑप्शन ए नहीं बल्कि ऑप्शन सी हो जाएगा। सन 2014 ईस्वी में ही 16वीं लोकसभा का चुनाव किया गया था। उसके बाद में अगला सवाल भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। बोला जा रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, 15 मार्च 1950 ईस्वी को ही पूरे भारतवर्ष में योजना आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद में अगला सवाल प्रश्न 29 को देख लीजिए कि इंग्लैंड के सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। यहाँ पे प्रश्न 29 का सही जवाब, हालांकि किताब में 1918 दिया गया है, और कितने स्टूडेंट को लगता है इसका सही जवाब 1932 ईस्वी होगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यहाँ तक कि सन 1932 ईस्वी में ही पूना समझौता भी हुआ था। उसके बाद में अगला सवाल है कि भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का जो गठन किया गया था वो सन 1986 ईस्वी में किया गया था, और सन 1986 ईस्वी की ही बात है जब भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा भी की गई थी। उसके बाद में अगला सवाल उसमें 31 से बोला जा रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था। यानी भारतीय लोकतंत्र के विरुद्ध में जो जन संघर्ष जो हुआ था, जनता के प्रति आक्रोश जो हुआ था, वो कौन से दशक में प्रारंभ हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 1970 के दशक में। और दशक से रिलेटेड एक और मैट्रिक एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। तो याद रखिएगा, सन 1990 के दशक में हुई थी। उसके बाद में अगला सवाल तो यहाँ पे आ ही गया कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी। तो याद रखिएगा, सन 1986 ईस्वी में ही भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू की गई थी। उसके बाद में है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग का जो प्रस्ताव है वो कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित किया गया था। तो क्वेश्चन में 33 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 1929 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव रखा गया था। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी मजेदार है एग्जाम दृष्टिकोण से। क्वेश्चन में 34 से बोला जा रहा है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन 34 का सही जवाब ऑप्शन सी होने वाला है, यानी भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो पारित किया गया था वो सन 1981 ईस्वी में पारित किया गया था। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे आ ही गया, और पिछले वाले क्वेश्चन के माध्यम से इसका आंसर हम लोग देख चुके हैं कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। तो याद रखिएगा, भूमंडलीकरण की जो शुरुआत हुई है वो 1990 के दशक में हुई थी। तो क्वेश्चन 35 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो दोस्तों काफ़ी सिंपल सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, इसमें आप सभी को बताना होगा कि रूस में कृषक दास प्रथा जो चल रहा था उसका अंत कब हो गया था। तो सन 1861 ईस्वी की बात है जब रूस में लेनिन के नेतृत्व में कृषक दास प्रथा का अंत कर दिया गया था, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 1861 ईस्वी में। उसके बाद में है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई थी। काफ़ी सिंपल सवाल है क्वेश्चन 37, और इस क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब ऑप्शन डी होने वाला है, यानी लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सन 1870 की बात है जब लागू की गई थी। अगला सवाल हिस्ट्री से लिया गया है, रंपा विद्रोह कब हुआ था। काफ़ी सिंपल सवाल है, रंपा विद्रोह जो है वो सन 1916 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन 38 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 1916 ईस्वी में। उसके बाद में ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, यानी भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत
1904 ईस्वी में हुई थी। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा, सन 1904 ईस्वी में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 40 में दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है एग्जाम दृष्टिकोण से, याद करके ही जाइए गवर्नमेंट एग्जाम देने कि सन 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। कई बार मेट्रिक एग्जाम में ऐसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन होता है, तो आसान बात से बता दीजिएगा कि भारत का रिजर्व बैंक जो है वो केंद्रीय बैंक कहलाता है। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे कुछ में 41 को देख लीजिए, बोला जा रहा है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो जो योजना आयोग था ना, योजना आयोग के भंग करके नीति आयोग बनाया गया कब, तो 2015 ईस्वी में। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, सन 2015 ईस्वी में। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए क्वेश्चन 42 में, काफ़ी सिंपल सवाल है। क्वेश्चन 42 में बोला जा रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा सर्वप्रथम राष्ट्रीय का जो अनुमान लगाया गया था राष्ट्रीय आय का, वो सन 1868 ईस्वी में लगाया गया था। यही कारण है क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 1868 ईस्वी में। उसके बाद में केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की स्थापना कब की गई थी। पहला ऑप्शन में दिया गया सन 1951 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में, और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो कुछ में 43 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी सन 1951 ईस्वी की बात है जब केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की स्थापना की गई थी। उसके बाद में अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की थी। यहाँ पे क्वेश्चन 44 आपके मेट्रिक एग्जाम में इस बार से पूछे जा सकते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री जिनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 नवंबर 2016 ईस्वी को। उसके बाद में जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हो गया था। काफ़ी सिंपल सवाल है क्वेश्चन 45, तो याद रखिएगा सन 1871 ईस्वी की बात है जो जर्मनी के साथ साथ इटली का भी एकीकरण हो गया था। और वहाँ पे बोला जाता है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो याद रखिएगा जर्मनी का एकीकरण सन 1871 ईस्वी में हुआ था और इसी के साथ फ्रैंकफर्ट की भी संधि हो गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 45 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 1871 ईस्वी में। अगला सवाल काफ़ी इंपोर्टेंट है क्वेश्चन 46 में बोला जा रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा कि लेनिन की जो मृत्यु है वो सन 1924 ईस्वी में हो गई थी। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, सन 1924 ईस्वी में। उसके बाद में अगला सवाल है कि लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी। काफ़ी सिंपल सवाल है, ये मेट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब किया था या लेनिन ने नई आर्थिक नीति कब लागू किया था। तो सन 1921 ईस्वी की बात है जब लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति लागू किया गया था, और सन 1921 के बाद सन 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में क्वेश्चन 48 को देख लीजिए, क्वेश्चन 48 में बोला जा रहा है कि जिनेवा समझौता कब हुआ था। काफ़ी सिंपल सवाल है, सन 1954 ईस्वी की बात है जब जिनेवा समझौता हुआ था, और ये जिनेवा समझौता किन दो राष्ट्रों के बीच में हुआ था, ये भी क्वेश्चन आप सभी को याद रखना बेहद ही जरूरी है। उसके बाद में क्वेश्चन 49 को देख लीजिए, क्वेश्चन 49 में बोला जा रहा है नमक कानून कब भंग हुआ था। तो बात है 6 अप्रैल नहीं बल्कि, देखिए 6 अप्रैल 1930 ईस्वी की ही बात है जब महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा गया था। तो इसलिए नमक कानून कब भंग हुआ था, तो याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। और यहाँ पे 6 अप्रैल 1930 ईस्वी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी नमक कानून को तोड़ने के लिए एक आंदोलन भी किया गया था जिसका नाम हम आप सभी को बता देते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन नहीं बल्कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, जिसमें समुद्र के पानी से नमक बनाकर महात्मा गांधी के द्वारा नमक कानून को तोड़ा गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, और इसी नमक सत्याग्रह में एक यात्रा भी शुरू हुई थी जो है दांडी यात्रा।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 50 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 से बोला गया है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? पहला ऑप्शन 1911 में, 1919 ईस्वी में, 1935 में, 1947 ईस्वी में। तो दोस्तों याद रखिएगा, सन 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। सन 1900 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड के साथ रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। सन 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। सन 1947 ईस्वी में हमारा देश भारत पूर्ण रूप से आज़ाद हो गया था। तो ये चारों ऑप्शनों से चार क्वेश्चन बनने वाले थे, सभी को हम आप सभी के जरिए रख दिए हैं। तो याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट जो है वो काला कानून था, जिसके माध्यम से किसी भारतवासी को बिना किसी साक्ष्य या वारंट के उसे गिरफ्तार कर उस पर मुकदमा चलाया जा सकता था। अतः ये एक काला कानून था जिसे पूरे भारतवर्ष में काला झंडा दिखाकर स्वागत किया गया था। तो ये जो रॉलेट एक्ट है, ये सन 1919 ईस्वी को पारित किया गया था, इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। तो ये दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं आज की इस वीडियो में आप सभी बता पाया हूँ एक से लेकर 50 तक नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 50 तक का ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आप सभी स्टूडेंट को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, मैं मुकेश अंसारी जल्द मिलूँगा अगले वीडियो में नए वीपीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।